rfi.com विश्वास वही रफ्तार नई। बिहार में कोरोना संकट के बीच 7 अगस्त से कई रियायतों का ऐलान किया गया है। दरअसल राज्य में अनलॉक के नए फेज का ऐलान 7 अगस्त से किया गया है। इसके तहत 7 अगस्त से 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का फैसला लिया गया है, जबकि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे। वहीं 9वीं से 10वीं के क्लास 7 अगस्त से और 1ली से 8वीं तक के क्लास 16 अगस्त से खुलेंगे। अगर राजधानी पटना की बात करें तो 7 अगस्त का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। 7 अगस्त को मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस खास कैंप में करीब 1.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इस टारगेट को हासिल करने में सफलता मिलती है तो यह पटना में एक दिन में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान होगा। जिला प्रशासन के मुताबिक मेगा वैक्सीनेशन कैंप के जरिए शहरी और ग्रामीण इलाकों के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। अभी तक पटना नगर निगम में 93.25% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। सारी कोशिश कोरोना संक्रमण के खिलाफ 100% आबादी को वैक्सीन की सुरक्षा कवच देने की है। इसी को ध्यान में रखकर 7 अगस्त को मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन पटना में किया जा रहा है। अब बात बिहार में कोरोना संक्रमण की। बिहार में गुरुवार को 44 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। सबसे ज्यादा 5 मामले कटिहार जिले में पाए गए, जबकि अरवल, बांका, गया, बेगूसराय, भागलपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, सहरसा और वैशाली जिले में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले नहीं पाए गए। गुरुवार को पटना जिले के कोरोना आंकड़ों को देखें तो अभी एक्टिव केस की संख्या 46 है। राजधानी पटना में 1,46,000 संक्रमितों की पुष्टि हुई, जिसमें 1,44,000 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। इसी बीच 7 अगस्त से नई रियायतों का ऐलान किया गया है और पटना में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।